हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ आंगन की सफाई की। विलेज स्टाइल से जो बाहर का होता है, पशुओं की जगह होती है, वो कैसे हम साफ़ करते हैं। तो मॉर्निंग में जस्ट झाड़ू निकालने से पहले यहाँ पर ही झाड़ू लगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं अभी पशु वगैरह को नहला दिया गया है। और शाम को बारिश आई थी जिसकी वजह से मतलब जो ये टाइल्स थी थोड़ा सा मेशी हो गई थी, जैसे मिट्टी वगैरह जम जाती है तो वो हो रहा था। तो उसको मैं अच्छे से निकाल रही थी। अदरवाइज़ यहाँ पर हम जो अंदर झाड़ू निकालते हैं उस फूल झाड़ू बोलते हैं जिसे, उसी से ही साफ़ हो जाती हैं। बट जो आज मैं है ये बांस की झाड़ू यूज कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि खजूर की झाड़ू से ही साफ़ होती है। और मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। कल रात को बारिश हुई थी और जिसकी वजह से जो पशुओं की ये कच्ची जगह है इसका रेत स्टाइल्स पर आ जाता है। तो ये निकालने के बाद फिर पशुओं को नहलाएंगे और उसके बाद मैं इनको धोना है और उसके बाद इस पर पोंछा लगाना है। तो आप वीडियो में बने रहना कि किस तरह से हम विलेज स्टाइल से यहाँ पर क्लीनिंग करते हैं। और इसको करने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है पूरा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एरिया है। कम से कम अगर बात करें तो इस एरिया की टाइल्स जो जमा हुई हैं लगभग 100 गज से ज़्यादा ही जगह है। तो इस पर झाड़ू लगाना, उसके बाद उसको वॉश करना, धोना नाली से और फिर उसको पोछा लगाना। तो ये सारा काम होता है और उसके बाद अंदर का काम होता है। तो गांव की लाइफ जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती, बहुत सारे काम बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली थी आप देख सकते हैं। और इधर की साइड जो पशुओं का गोबर वगैरह था वो हम कूड़ी में डालकर आ गए थे। अभी यहाँ पर रेत काफ़ी ज़्यादा है तो मैं धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ सारा रेत, और कच्चे में कर दूँगी। और जब पशुओं को नहला लेंगे तो इस जो ये कच्चा है इसको भी हम झाड़ू लगाएंगे और फिर पशुओं को अंदर टीन जो डाल रखी है अंदर बांध देते हैं और इसके अंदर हम फिर झाड़ू लगा लेते हैं। तो ऐसे ही होता है हमारा मॉर्निंग का मतलब क्लीनिंग। और बच्चों की स्कूलें भी, बच्चों की जो बसेज हैं वो आना स्टार्ट हो गई है। तो टाइम लगभग 7:15 का करीबन का है। हमारे बच्चे 7 बजे जाते हैं तो स्कूल जा चुके थे। और आपको जगह जगह पर पानी भी दिखाई दे रहा होगा क्योंकि रात को बारिश अच्छी वाली हुई थी जिसकी वजह से ये मिट्टी है, ये कच्चे वाले की मिट्टी इधर आ जाती है। तो उसको मैं एक साइड में कर दिया और अब मैं इसमें सारे को धोऊंगी एक बार और उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो इसी तरह से मशीन वगैरह आज मैंने बाथरूम में ही लगा दी थी क्योंकि पता नहीं बारिश आ सकती थी तो बाथरूम में वहीं की वहीं पर ही खड़ी कर देंगे, अदरवाइज बारिश आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहाँ पर पानी लेकर आ गई थी। और मैं इधर की साइड जहाँ पर हमारा घर बना हुआ है इस साइड की टाइल्स को भी थोड़ा मतलब पानी से, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा था, ढलान थोड़ी कम है वहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, तो उधर से भी मैं एक बार मतलब धो लेती हूँ, पानी से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद सारी टाइल्स पर पोंछा लगा लूँगी। अदरवाइज मैं सारी धोती तो काफ़ी टाइम लग जाता। वैसे ये बिल्कुल साफ़ थी, रेगुलर से पोंछा लगता है, बारिश आती है तो धुलाई भी होती है। लेकिन आज मैं केवल उसी पार्ट में ही मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था वहीं पर ही मैं वो कर रही हूँ, पानी से धो रही थी, उसके बाद पोंछा लगाऊंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इन स्टाइल्स में थोड़ा सा ढलान कम है जिसकी वजह से पानी रुक जाता है, तेज़ बारिश आती है फिर भी थोड़ा बहुत रुक जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर मतलब ये जो खजूर की झाड़ू है उसी से ही हमें साफ़ करना पड़ता है और उसके बाद पोछा लगाना पड़ता है। पोछा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर पे, काफ़ी देर में सूखता है तो जिसकी वजह से बच्चे फिर गीले पैर अंदर जाते हैं जिसकी वजह से मतलब ख़राब सा होता है। अदरवाइज़ धूप भी ज़्यादा निकल जाती है तो सूख जाए एक बार झाड़ू लगाने से, लेकिन मेरे को मतलब बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती जब तक कि मैं पोछा वगैरह अच्छे से ना लगा लूँ। तो गांव में इसी तरह से ही क्लीनिंग की जाती है। तो मैंने यहाँ से पूरे में एक बार मतलब पानी डाल डाल कर अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं उस टैंक की तरफ जहाँ पर पशुओं को नहलाने के लिए लेकर जाया जाता है उस तरफ भी एक बार अच्छे से पानी डालकर लगा लेती हूँ। तो आज की व्लॉग को यहीं पर दी एंड करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।